तो दोस्तों मैंने दिन में कहा था क्लास लूँगा, लेकिन थोड़ा आज मेरे कान में दर्द हो रही है तो नहीं ले पाया उस समय। अभी ले लेता हूँ। रोटेशन काइनेटिक्स और डायनेमिक्स की प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक रॉड है, इसमें इस एंड पे एक डिस्क लगी हुई है, सॉलिड सर्कुलर डिस्क, और ये 2 मीटर है, उसका डायमीटर 1 मीटर है, और यहाँ से केबल से अटैच्ड है। तो ये कह रहा है कि ये सिस्टम जो है इनिशियली रेस्ट पे है और अचानक से केबल को कट कर दिया। तो बता रहा है कि मास ऑफ रॉड 4 kg है, डिस्क का मास 12 kg है। तो कह रहा है ओमेगा निकालो रॉड की, जब इसे रोटेट कर देंगे 60 डिग्री से, 60 डिग्री रोटेशन के बाद ओमेगा बताओ। तो वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। वो कहती है कि काइनेटिक एनर्जी 1 + पोटेंशियल एनर्जी 1 + स्प्रिंग एनर्जी 1 + अदर वर्क इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 + पोटेंशियल एनर्जी 2 + स्प्रिंग एनर्जी 2। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, स्प्रिंग है नहीं, तो ये जो एसी वाला टर्म है 0 हो जाएगा। तो इसमें अदर वर्क जो है वो होता है फ्रिक्शन की वजह से या कोई और फोर्सेज आ रही हो अगर, लेकिन केबल को काट दिया तो फोर्स तो रही नहीं वहाँ पे, और हिंज पे जो रिएक्शन है वो तो कोई मोमेंट उनका होगा नहीं, क्योंकि हिंज तो कहीं जाएगा नहीं ना अपनी जगह से। तो वो फोर्सेस का वर्क भी 0 हो गया, तो डब्ल्यू अदर भी 0 हो गया। तो यहाँ से बना पोटेंशियल एनर्जी 1 - पोटेंशियल एनर्जी 2 = काइनेटिक एनर्जी 2, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 I ω2। आई पूरे सिस्टम का लेना पड़ेगा, रॉड और डिस्क का, और ये इस पॉइंट के अबाउट लेते हैं जिसके अबाउट रोटेशन हो रही हो। तो अभी बताता हूँ कैसे लेना है। और पोटेंशियल एनर्जी 1 - पोटेंशियल एनर्जी 2, जब ये वाली जो सिस्टम है 60 डिग्री घूम जाएगी तो क्या हो जाएगा, देखो इसकी इसको रेफरेंस ले लो अगर, तो सेकंड पॉइंट की सेकंड कंडीशन ऐसे होगी कुछ। तो पोटेंशियल एनर्जी रॉड की तो हो जाएगी उसके मिड पॉइंट से लेंगे ना। एक बार इसको बना के दिखाता हूँ आपको, तब मज़ा आएगा इसमें। अब देखो ये पहले ओ पॉइंट था, ये ऐसे था फ्लैट, यहाँ पर डिस्क लगी थी, अब ये ऐसे हो गया कुछ, मान लो ऐसे ऐसे हो गया। तो 60 डिग्री घुमाए तो रॉड का जो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ये रेफरेंस ले लो, इसको रेफरेंस ले लिया तो मिड पॉइंट बताएगा पोटेंशियल एनर्जी रॉड की, क्योंकि मिड पॉइंट पे ही पूरा मास कंसंट्रेटेड होगा रॉड का, और वो जो रॉड की लेंथ है 2 है, तो ये 0.5 है रेडियस। तो डिस्क की पोटेंशियल एनर्जी तो उसके सेंटर पे मास पूरा यहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है, कंसंट्रेशन जो है मास का सेंटर पे होता है। अब देखो क्या करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी 1 जो है वो 0 हो गई क्योंकि रेफरेंस मान लिया। पोटेंशियल एनर्जी 2 जो है नेगेटिव में आ रही है, माइनस का मास ऑफ रॉड इंटू जी इंटू वो 2 है पूरा। तो मिड पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी है, ऐसे पोटेंशियल एनर्जी हाइट की उसमें मेज़र करते हैं, तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी, ये कितना हो जाएगा मिड पॉइंट 1/2 1, तो ये कितना हो गया sin 60, क्योंकि हाइपोटेनियस 1 है। मास ऑफ रॉड इंटू जी इंटू sin 60 माइनस मास ऑफ डिस्क इंटू ये कितना हो गया 2.5 mgh, मास ऑफ डिस्क इंटू 2.5 इंटू जी sin 60 ये आ गया। तो अब क्या करेंगे, देखो पोटेंशियल एनर्जी 1 - 2 करा तो इतना आ गया, देखो मास ऑफ रॉड 4 है, 4g sin 60 प्लस ये कितना है मास ऑफ डिस्क 12 हो गया इंटू 2.5 sin 60 इंटू जी, ये आ गया ना, यहाँ से हमने सॉल्व करा इसे, इक्वल टू 1/2 I जो है I निकाला हमने ओ पॉइंट के अबाउट, इसके अबाउट निकालेंगे, ओ पॉइंट है तो इसके अबाउट जब I निकाल लें हम, तो क्या कर रहे हैं देखो, इसे जूम कर देता हूँ, 1/2 इंटू मास ऑफ रॉड इंटू 2² / 3, ये यहाँ से करा मैंने, पूरा डिराइव करा है। देखो हमें पता है कि जो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्सिया मास रॉड L² / 12 होता है मिड पॉइंट के अबाउट, तो ओ पॉइंट के अबाउट निकालने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी, प्लस MR इंटू ये L/2 हो जाएगी, L/2 का स्क्वायर जब ऐड करोगे MR L² / 3 आ जाएगा, और डिस्क का जो है C पॉइंट के अबाउट है 1/2 MdR², और अगर हमें ओ पॉइंट के अबाउट निकालना है तो L+R कर देंगे इंटू MD इंटू L+R², ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम में होता है कि अगर सेंट्रोइडल पॉइंट के अबाउट गिवन है ना, दूसरे किसी पॉइंट के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्सिया, तो L+R होल स्क्वायर इंटू m कर देते हैं, तो यही हमने लगा दिया। तो ये आ गया टोटल मोमेंट ऑफ इनर्सिया, ये I है, ये देखो MR L² × 2² / 3 प्लस
1/2 mdr² प्लस md इंटू एल प्लस आर 2.5 हो गया, 2 और ये 0.5। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे पूरा वैल्यू रख के, ये वाले को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कुछ आएगा, तो उसे सॉल्व करके ओमेगा आ जाएगा 2.656। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मारू सर की DPP का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, मैंने लिया है वहाँ से और अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, इसलिए ले लिया इसे। ये वाला दोबारा देख लो आप एक बार, पहले हमने कुछ नहीं करा, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई, जो टर्म जीरो थे वो जीरो कर दिए, और केबल को कट करा तो वो वाला फोर्स सराहनी, तो वर्क अदर जीरो हो गया, क्योंकि हिंज पे ही हिंज पे क्या होता है, दो फोर्स आते हैं और दोनों का मोमेंट नहीं होता है कुछ, क्योंकि वहीं से पास हो रहे हैं, तो और वर्क होता नहीं है क्योंकि फोर्स की वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होती हिंज पे, खाली रोटेशन होता है, तो रोटेशनल रिएक्शन आती नहीं है वहाँ पे, वो तो अलग चीज़ है। तो हमने ये लगाया पोटेंशियल एनर्जी 1-2 = ½ i ω² और ओमेगा फाइनल स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 2 आ रही है, तो आई यहाँ पर से मैंने कंबाइन करके निकाल के आपको दिखा दिया आई कैसे निकालना है। ये आई हो गया आई नेट, पूरे सिस्टम का लेना है क्योंकि, तो 1/2 i net ω² यहाँ पर लगा दिया, ये पोटेंशियल एनर्जी 1-2, तो ये आ रही है -mRg sin 60 -md × 2.5g sin 60, जो पोटेंशियल एनर्जी 1 है जीरो हो जाएगी, 1-2 करोगे तो प्लस में आ जाएगा, ये 4g sin 60 -2.5 × 4g sin 60, तो ये करा सॉल्व, 4g sin 60 -2.5 ×, यहाँ पे 4 नहीं आएगा 12 आएगा, क्योंकि मास ऑफ डिस्क आ रहे हैं 12 आएगा, तो 12g × 2.5 sin 60 = 1/2 i ω² 1/2 i net ω² आई नेट ये है वैल्यू, रख देना इसकी और सॉल्व करना, तो ओमेगा जो है 2.656 आएगा और रेडियन पर सेकंड में आएगा। तो ये है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन रोटेशनल डायनेमिक्स या फिर काइनेटिक्स का, जिसमें वर्क एनर्जी थ्योरम की मदद से हमने निकाला फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जब इसको 60 डिग्री रोटेट कर रहे हैं और केबल को कट कर दिया, तो ये वाला क्वेश्चन है, तो देख लो आप। धन्यवाद।